आसमान में तेज बिजली चमक रही थी। हर तरफ जमीन पर गिर रही बारिश की बूंदों की तेज आवाज थी। रोनित, तान्या, क्षितिज और प्रिया चारों दोस्त हर वीकेंड की तरह इस वीकेंड में भी अपने एडवेंचर पर निकल पड़े थे। उनका मुंबई से लोनावाला का सफर बस कुछ ही देर में तय होने वाला था। रोड के दोनों तरफ घना जंगल था। रोनित जल्दी से जंगल के एरिया को क्रॉस करने के लिए तेज रफ्तार में गाड़ी आगे बढ़ा रहा था कि जंगल खत्म होने से थोड़ी दूर पहले ही अचानक उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। अरे, तुमने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी रोनित? अभी तक तो हमने जंगल भी क्रॉस नहीं किया। मैंने गाड़ी रोकी नहीं है, अपने आप ही बंद पड़ गई है। तुम सब रुको, मैं देख कर आता हूँ क्या प्रॉब्लम है। रोनित गाड़ी को चेक करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा तो उसने देखा कि गाड़ी की इंजन की वायर पूरी तरह से जल चुकी है। उसने ये बात अपने सभी दोस्तों को बताई। अरे यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अब आधी रात को तो कोई मैकेनिक भी यहाँ नहीं मिलने वाला। गाइस, मुझे तो कार में बैठे बैठे बहुत घुटन हो रही है। प्लीज चलो ना, थोड़ी देर बाहर चलते हैं। चलो ठीक है, वैसे भी जंगल का एरिया ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है तो कोई खतरा भी नहीं है। तान्या के कहने पर अब सभी अपने हाथों में छतरी लिए कार से निकले और भारी बारिश में नेचर को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ने लगे। इस गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। मुझे तो यहाँ आसपास कोई होटल भी नजर नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा हम पूरी रात आखिर बिताएंगे कहाँ। मुझे पता है आज की रात हम कहाँ बिताएंगे। क्या मतलब? अरे वो देखो, सामने वो विला, जरूर वहाँ कोई होगा। अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद वो एक रात के लिए हमें अपना विला रुकने के लिए दे दे। इतना कहकर वो सभी उस विला की ओर बढ़े और विला के पास जाकर उन्होंने विला की डोरबेल को बजाया। हेलो, कोई अंदर है? रोहित के इतना कहते ही अचानक उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी। लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है जो इतनी रात पर यहाँ आए हो। अभी भी समय है, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम चारों का भी वही हाल होगा जो उन सबका हुआ था। किनका हाल? क्या हुआ था यहाँ? तुम्हें जितना कह रहा हूँ उतना सुनो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। अरे यार, हर पुरानी हवेली के पास इस जैसा एक बुड्ढा फिक्स होता है, तुम इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। क्षितिज के इतना कहते ही अचानक अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आती है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दरवाजे को खोलती है। फाइनली आपने दरवाजा खोला, थैंक यू सो मच। लगता है आपकी गाड़ी भी खराब हो गई है और आप मदद के लिए मेरे पास आए हैं। आपको कैसे पता? कुछ नहीं, बस अक्सर ही यहाँ लोगों की गाड़ियाँ अचानक खराब हो जाती है और वो मदद के लिए मेरे पास आ जाते हैं। आइए, आप सभी अंदर आ जाइए। वो चारों अंदर जाने ही वाले थे कि तभी उस लड़की की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी और वो बड़े ही भयानक तरीके से उस बूढ़े आदमी को घूर रही थी। आप फिर यहाँ आ गए? मैंने कितनी बार कहा है कि आप देर रात को यहाँ मत घूमा कीजिए और अपने घर पर रहा कीजिए। उस लड़की की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और वो चारों उस लड़की के साथ घर के अंदर दाखिल हो गए। तभी उस लड़की ने कहा, यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा है, लड़कियों को शायद ग्राउंड फ्लोर पर सोने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप दोनों ग्राउंड फ्लोर वाले रूम में सो जाइए और आप दोनों मेरे साथ फर्स्ट फ्लोर पर चलिए, मैं आप दोनों को आपका रूम दिखा देती हूँ। इतना कहकर वो तानिया और प्रिया को फर्स्ट फ्लोर का रूम दिखाकर वहाँ से चली गई।
कुछ देर बाद तानिया तो गहरी नींद में सो गई, लेकिन प्रिया को वहाँ कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए उसे वहाँ ठीक सी नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे महसूस हुआ मानो कोई बहुत दबी सी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो। प्रिया, उठो, मेरे पास आओ। उस दबी सी आवाज को सुनकर प्रिया घबरा कर अचानक अपने बिस्तर से उठ गई। डर के मारे उसका गला सूख चुका था। उसने बिस्तर के साइड पर रखी टेबल पर पानी पीने के लिए जैसे ही गिलास उठाया तो वो खाली था, इसलिए वो पानी लेने के लिए बाहर की तरफ जाने लगी। वो अपने कमरे से बाहर निकली ही थी कि तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पैरों को जोर से खींचा और वो मुंह के बल बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ी, और वो अदृश्य शक्ति उसे बुरी तरह घसीट कर अपने साथ ले गई। प्रिया बहुत बुरी तरह चीखने लगी कि तभी प्रिया की चीखने की आवाज तानिया के कानों में पड़ी और वो अचानक से हड़बड़ा कर उठ गई। उसने उठकर कमरे में हर जगह प्रिया को ढूंढा, लेकिन प्रिया उसे कहीं नहीं मिली। प्रिया, प्रिया देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर तुम कोई प्रैंक कर रही हो तो प्लीज ऐसा मत करो। तान्या के इतने कहते ही उसे रूम के वॉशरूम से प्रिया की आवाज सुनाई दी। तान्या, तान्या प्लीज मेरी मदद करो, ये मुझे मार डालेगी मुझे, प्लीज मुझे बचा लो। ये तो प्रिया की आवाज है, लेकिन मैंने जब अभी वॉशरूम में चेक किया तो प्रिया तो वहाँ थी ही नहीं, तो फिर ये वॉशरूम में किसकी आवाज आ रही है? तान्या प्लीज मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। ये मेरा कोई वहम नहीं है, लगता है प्रिया सच में वॉशरूम में ही है। उस आवाज को सुनकर तान्या वॉशरूम की ओर बढ़ने लगी। उसने जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोला तो उसकी आंखों के सामने प्रिया अपने सर को अपने पैरों में दबाए हुए रो रही थी। प्रिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? इतना कहकर तान्या ने प्रिया के कंधे पर अपना हाथ रखा तो प्रिया ने अचानक अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा बुरी तरह सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों का रंग भयानक लाल, किसी राक्षस की तरह लग रहा था। उसे इस तरह देखकर तान्या बहुत बुरी तरह घबरा गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। तभी प्रिया ने उसके पैरों को कसकर अपने हाथों में जकड़ लिया और तान्या बुरी तरह अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से जमीन पर गिर पड़ी। तुम ये क्या कर रही हो प्रिया? ये तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज जाने दो मुझे। प्रिया के सामने हाथ जोड़कर तान्या उसे खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगी कि तभी प्रिया ने अपने ही हाथों से अपनी गर्दन को बुरी तरह मरोड़ दिया और अपनी गर्दन को अपने शरीर से अलग कर दिया और अपनी गर्दन को अपने हाथों में पकड़ी हुई वो बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी। तान्या का अब डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। तभी अपने हाथों में अपनी गर्दन पकड़ी हुई प्रिया तान्या की तरफ बढ़ने लगी। तभी तान्या ने खुद को बचाने के लिए प्रिया को एक जोरदार धक्का मारा और वो जाकर सीधी वॉशरूम की दीवार से टकरा गई और उसके हाथों से उसका सर छूटकर वॉशरूम के फ्लोर पर गिर पड़ा और वॉशरूम का फ्लोर और सभी दीवारें प्रिया के खून के छींटों से भर गई। तभी मौका पाकर तान्या वहां से भागकर नीचे सो रहे अपने दोस्तों रोनित और क्षितिज के पास गई। रोनित, क्षितिज, जल्दी, प्लीज जल्दी उठो। इतना कहकर उसने रोनित और क्षितिज को जगाने के लिए उनके चेहरे पर पानी की कुछ छींटे मारे, जिससे उन दोनों की आंख खुल गई। अरे कौन है यार, इतनी रात को भी अच्छे से सोने नहीं देते। प्लीज तुम दोनों मेरे साथ चलो, वहाँ ऊपर वॉशरूम में प्रिया ने अपने आप को मार डाला। क्या, ये क्या कह रही हो तुम अपने होश में तो हो? पक्का तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम प्लीज मेरे साथ चलो, वहाँ वॉशरूम में प्रिया की डेड बॉडी है, पूरा वॉशरूम प्रिया के खून से पूरी तरह से सज चुका है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तान्या की बात सुनकर क्षितिज और रोनित उसके साथ ऊपर वाले रूम में गए, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम में पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तक कि वॉशरूम के फ्लोर पर और दीवारों पर खून के छींटों का एक निशान भी नहीं था।
ये कैसे हो सकता है? अभी मेरी आंखों के सामने प्रिया ने खुद को मार डाला था। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। इतना कहकर तानिया जोर जोर से रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर रोनित और क्षितिज भी कुछ गंभीर से हो गए। अच्छा ठीक है तान्या, तुम रोना बंद करो, लेकिन तुम ही बताओ कि प्रिया अगर यहाँ थी तो अचानक से वो कहाँ चली गई और वो सारे खून के छींटे कहाँ चले गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है इस विला के बाहर हमें जो आदमी मिला था वो बिल्कुल सही कह रहा था। इस विला में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। हो सकता है जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले दिखा वो कोई छलावा हो। हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द प्रिया को ढूंढना होगा। क्षितिज, भाई तान्या सही कह रही है, यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना प्रिया अचानक कहाँ गायब हो सकती है? इतना कहकर वो तीनों कमरे से बाहर निकले कि तभी उन्हें बड़ी ही दबी सी आवाज में किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी है? ये आवाज उस तरफ से आ रही है, शायद प्रिया वही हो। इतना कहकर वो तीनों आगे बढ़ने लगे कि तभी उन्हें लगा मानो जैसे कोई काली परछाई अभी उनके पीछे से गुजरी हो। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो किसी अदृश्य शक्ति ने तानिया को एक जोरदार धक्का मारा। वो सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी कि तभी क्षितिज ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच लिया। पहले तो मुझे शक था, पर अब पूरा यकीन हो गया है कि यहाँ जरूर कुछ अजीब है, हमें सावधान रहना होगा। इतना कहकर वो तीनों फिर से उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। जमीन पर मोमबत्तियों से शैतान की एक आकृति बनी हुई थी और विला में रहने वाली उस लड़की के हाथों में प्रिया का कटा हुआ सर था जिससे खून बहकर जमीन पर गिर रहा था। ये तुमने क्या किया? प्रिया को मार दिया तुमने? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर रोनित उस लड़की की ओर बढ़ा और उसने जैसे ही उस लड़की के गले को पकड़ने की कोशिश की तो उसका हाथ उसके शरीर से आर पार हो गया। और तभी वो लड़की रोनित की ओर देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी। तुम मुझे मार नहीं सकते, देखो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस तुम मुझे इस लड़की को दे दो। आज अमावस्या की रात है और आज की रात मेरे लिए इसकी बलि देना बहुत जरूरी है, वरना मेरा शरीर फिर से जिंदा कैसे हो पाएगा? सालों से इंतजार कर रही हूँ मैं इस दिन का। ये लड़की मेरा 100वां शिकार होगी। इसकी बलि देते ही मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। आओ मेरे पास आओ। उसकी बात सुनकर वो तीनों बहुत बुरी तरह घबरा गए कि तभी अचानक रोहित और क्षितिज हवा में उड़ने लगे और तान्या खुद ब खुद घसीटती हुई उस लड़की के पास जा पहुंची। उस लड़की ने तान्या की गर्दन पर एक छुरी को रखा और वो तीनों डर के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगे। डर के मारे तान्या बेहोश हो गई कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और वही बूढ़ा आदमी एक तांत्रिक बाबा के साथ वहां आ पहुंचा। तांत्रिक बाबा को अपने सामने देखकर उस लड़की की आत्मा बुरी तरह घबरा गई और उसके हाथों से वो चाकू छूटकर नीचे जमीन पर जा गिरा। तभी तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस आत्मा पर एक भस्म को छिड़क दिया और वो बुरी तरह दर्द से बिलखने लगी। इस आत्मा को नष्ट करने के लिए हमें इसके शरीर को हमेशा हमेशा के लिए संसार से नष्ट करना होगा। इसके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए ये आत्मा सालों से इसी घर में भटक रही है। हमें जल्दी से जल्दी इसके शरीर को ढूंढना होगा और उसे अग्नि में भस्म करना होगा, वरना ये आज इस लड़की की जान भी ले लेगी, क्योंकि शरीर के आसपास रहकर ही इस क्रिया को किया जाता है जिससे मरी हुई लड़कियों की आत्माओं की शक्ति को ये अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा सके। हमें इस कमरे को छान मारना होगा। तांत्रिक बाबा के कहे अनुसार सभी वहां उस लड़की के शरीर को ढूंढने लगे। तभी रोनित की नजर अलमारी के पीछे रखे एक बक्से पर पड़ी। उसने जैसे ही उस बक्से को खोलकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
उस बक्से के अंदर एक लड़की का सड़ा गला शरीर था जिसकी मौत न जाने कितने सालों पहले ही हो गई हो। तांत्रिक बाबा, ये देखिए उस लड़की का शरीर। रोनित की बात सुनकर उस शरीर को नष्ट करने के लिए तांत्रिक बाबा जैसे ही आगे बढ़े, तभी उस लड़की की आत्मा तांत्रिक बाबा पर झपट पड़ी और उन पर हावी हो गई। तभी रोनित ने हिम्मत करते हुए अपने लाइटर को जलाकर उस बक्से के अंदर फेंक दिया और उस लड़की का शरीर बुरी तरह जलने लगा। शरीर के जलते ही उस लड़की की आत्मा बुरी तरह चीखने लगी और देखते ही देखते सबकी नजरों के सामने उस आत्मा के चीथड़े उड़ गए। उस रात किसी तरह उन तीनों की जान तो बच गई, लेकिन उन्होंने अपनी दोस्त प्रिया को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। 21 बरस का सूरज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। छुट्टियों के लिए वह अपनी मां के पास आया हुआ था। आधी रात का समय था, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। दूर कहीं जंगलों से आते सियार और कुत्तों के रोने की आवाज से बदन में झुरझुरी सी दौड़ रही थी। सूरज अपने कमरे में लेटा करवटे बदल रहा था। अचानक उसका प्यास से गला सूखने लगा तो वह रसोई से पानी लाने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। रसोई घर से वापस अपने कमरे में आते हुए उसने महसूस किया कि माँ के कमरे के दरवाजे के नीचे से धुआं बाहर आ रहा है। सूरज ने चौंक कर पहले दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा रही थी। सूरज अब काफी परेशान हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी रात गए माँ के कमरे से धुआं क्यों और कैसे निकल रहा है। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह माँ के कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरे के बाहर पहुंचने पर उसे फुसफुसाकर मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई देने लगी। अपने मन में चल रही उथल पुथल को शांत करने के लिए वह माँ के कमरे में खुलने वाली आंगन की खिड़की के पास आया और कमरे में झांकने लगा। अंदर एक हवन कुंड से धुआं बाहर आ रहा था और कमरे के फर्श पर कुछ अजीबोगरीब सामग्री फैली हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था वहां कोई टोना टोटका या तंत्र क्रिया चल रही हो। तभी माँ हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की हांडी लेकर कमरे से बाहर निकल जाती है। सूरज धीमे कदमों से अपनी माँ का पीछा करता है तो देखता है कि उसकी माँ ने वह टोटके की हांडी बाहर चौराहे पर रखी और वह वापस लौटकर चुपचाप अपने कमरे में सो गई। माँ की ऐसे अजीबोगरीब व्यवहार देखकर सूरज सकते में पड़ गया था। इस समय वह कुछ भी सोचने समझने अथवा बोलने की स्थिति में नहीं था। माँ के अपने कमरे में जाने के बाद सूरज भी वापस अपने कमरे में आकर लेट जाता है। वो रात बीतने के बाद अगला दिन भी यूं ही उथल पुथल में बीत गया और रात घिर आई। जिज्ञासा वश रात के 12 बजे फिर से सूरज खिड़की से अंदर झांकने लगता है। सामने उसकी माँ काले कपड़ों में अपने लंबे बालों को खोलकर जमीन पर तंत्र का सामान फैला कोई तंत्र साधना कर रही थी। अंत में उसने फिर से एक मिट्टी की हांडी दी, उसमें टोटके का सामान, एक दिया रखकर फिर से चौराहे पर रखने के लिए घर से बाहर निकल गई। सूरज इसी तरह पूरे 3 दिनों तक अपनी माँ की सारी गतिविधियों को देखता रहता है। चौथे दिन अमावस्या का दिन था। घर के आंगन में लगातार रोती हुई बिल्ली किसी अनिष्ट की सूचना दे रही थी। सूरज की माँ के सामने तंत्र के सामान के साथ साथ एक काला मुर्गा भी रखा हुआ था। अपनी तंत्र साधना पूरी करने के बाद उसने मुर्गे को काट कर उसकी बलि चढ़ा दी। है मेरी मालिक, अगर आपने चाहा तो अगली अमावस्या को बलि जानवर की नहीं किसी इंसान की होगी। इससे ज्यादा कुछ भी देख पाने की हिम्मत अब सूरज के अंदर बाकी नहीं थी। डरते हुए वह अपने कमरे में लौट आया और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। काफी देर तक बिस्तर पर करवटे बदलने के बाद उसे नींद आ गई थी। सूरज पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वह बहुत थक चुका था। तभी एक पेड़ के तने से अपनी कमर सटाकर वह हांफने लगता है। अचानक ही एक लंबी सी चोटी आकर उसके पांव से लिपटने लगती है। सूरज जितना उस चोटी को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही तेजी से वह लिपटते हुए उसके पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही थी। तभी उसे मंदिर के घंटे की आवाज सुनाई देने लगती है और सूरज का ध्यान कुछ ही दूरी पर बने मंदिर की ओर चला जाता है। ये कोई पुराना सा मंदिर नजर आ रहा था।
सूरज कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके ऊपर किसी भयानक आकृति ने छलांग लगा दी, जिसके कारण डर से सूरज के मुंह से चीख निकल गई और उसकी नींद टूट गई। हे भगवान, ये कैसा भयानक सपना था? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अपने माथे पर आते पसीने को पहुंच कर वह फिर से सोने की कोशिश करने लगता है, किंतु यह सपना इतनी आसानी से सूरज का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। अब तो अक्सर ही सूरज को वही सपना नजर आने लगा जिसके कारण वह बहुत बेचैन सा रहने लगा था। बस बहुत हो गया, आज मैं माँ से अपने सपने का अर्थ जानकर ही रहूंगा। माँ, तकरीबन एक महीने से मैं आपको देख रहा हूँ, आप हर रोज रात के समय कुछ टोना टोटका करती हैं। ये सब क्या है माँ? अब तो मुझे भी हर रात एक बहुत ही भयानक सपना नजर आने लगा है, जिसमें मैं अपनी जान बचाकर भागता हूँ और फिर एक चोटी आकर मुझे जकड़ लेती है। आप मुझे साफ साफ बताओ माँ, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? हो ना हो, ये आपके टोने टोटके के कारण ही मुझे ऐसे डरावने सपने नजर आ रहे हैं। लगता है जिस बात को मैंने बरसों से अपनी सीने में दबा कर रखा है, वो बात बताने का समय आ गया है। बेटा, जिससे तुम मेरा टोना टोटका और तंत्र समझ रहे हो, वो कोई टोटका नहीं है, बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए किए गए मेरे प्रयास हैं। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो माँ? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें वो सब करते हुए देखा है, और मुझे किस बात का खतरा है जो तुम मेरी रक्षा कर रही हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, तेरे पिता कोई आम इंसान नहीं थे, उन्होंने शमशान से साधना की सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। अपनी सिद्धियों के बल पर वो अक्सर दूसरे लोक में रहने वाले दुष्ट परालौकिक शक्तियों से उलझते रहते थे। एक बार अपनी सिद्धियों के प्रयोग से उन्होंने डायन को आकर्षित करके इस लोक बुला लिया। डायन को अपने साथ रखने और उससे लाभ लेने के लिए उन्होंने उसकी चोटी काट कर रख ली थी, लेकिन उनके ऐसा करने से डायन बहुत क्रोधित हो गई और वो तुम्हारे पिता के शरीर में रहने लगी। हर अमावस्या की रात को वो गांव में शिकार करने के लिए निकल पड़ती थी। कुछ ही दिनों में गांव वालों को तुम्हारे पिता के बारे में पता चल गया कि उनके अंदर कोई शैतानी शक्ति है। एक दिन आधी रात गए वो किसी आदमी का शिकार करने के लिए निकले ही थे कि उसी समय गांव के लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और पीट पीट कर उनकी हत्या करने के बाद उनके शव को मंदिर के पीछे दफना दिया। बेटा, जन्म से ही तुम्हारे अंदर पिता के राक्षसी गुण मुझे दिखाई पड़ने लगे थे। जैसे जैसे तू बड़ा होने लगा तो मुझे तेरी चिंता सताने लगी। मैं नहीं चाहती जिन काली शक्तियों के कारण तुम्हारे पिता की जान गई, तुम भी उसके प्रभाव में आओ, इसलिए तुम्हें उन शक्तियों से दूर रखने के लिए मैं तरह तरह के उपाय करती हूँ। मुझे माफ कर दो माँ, पूरा सच जाने बिना मैंने आप पर शक किया, मुझे आप पर पूरा यकीन हो गया है, आपने जो भी किया होगा मेरी भलाई के लिए ही किया होगा। समय बीतने लगता है और सूरज को कॉलेज की तरफ से एक ट्रिप पर पहाड़ों में भेजा जाता है। यही पास में ही हमारा पुश्तैनी गाँव है, एक बार जाकर देखना चाहिए हमारा गाँव और घर कैसा था, और वो मंदिर कौन सा है जहाँ पिताजी को दफनाया गया था। ऐसा सोचकर सूरज अपने गांव डुमरी पहुंच जाता है। जैसे ही सूरज गांव में कदम रखता है, चमगादड़ों के झुंड बेचैन होकर यहाँ वहाँ फड़फड़ाने लगते हैं। कौन हो तुम? तुम तो हूबहू हरीश जैसे दिखते हो। क्या आप उन्हें जानते हैं? हरीश मेरे पिता थे। हाँ बेटा, मैं उसे जानता हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र था, उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हें तो वो डायन उठाकर ले गई थी ना? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कोई डायन नहीं ले गई थी काका, मैं तो अपनी माँ के साथ रहता हूँ। नहीं बेटा, उस डायन ने तुम्हारे माँ पापा और दादा दादी को खत्म कर दिया था और तुम्हें उठा कर ले गई थी। 15 बरस पहले की बात है, इस गांव के काली मंदिर में एक औरत रात के 12 बजे पूजा करने आती थी और माँ काली को अजीबोगरीब चीजें चढ़ाया करती थी। पूरे गांव में इस घटना के कारण सनसनी फैली हुई थी।
कभी मंदिर में खून पड़ा मिलता था तो कभी हड्डियां दिखाई देती थी। तुम्हारे दादाजी गांव के सरपंच थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वे और उनके बेटे पूरी रात मंदिर में पहरा देंगे और पता लगाएंगे कि आखिर कौन ये सब कर रहा है। रात घिरी और रात के ठीक 12 बजे एक सुंदर स्त्री इस मंदिर के अंदर घुस गई। उसके हाथों में एक मानव खोपड़ी थी और उसकी लंबी चोटी जमीन पर लहरा रही थी। मंदिर के अंदर जाकर उसने अपनी तंत्र सामग्री वहां रखी और कुछ सिद्धि करने लगी। उस भयानक स्त्री को देखकर पहले तो सरपंच और हरीश भाई घबरा गए, लेकिन बाद में हिम्मत करके उसके सामने गए और गुस्से में उसकी चोटी काट दी। दरअसल वो एक जहरीली डायन थी। उस डायन की चोटी काटने का परिणाम यह हुआ कि अब वह तुम्हारे परिवार के पीछे पड़ गई थी। अमावस्या की रात उसने तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे दादा दादी पापा और माँ सबको मार डाला। अब तुम्हारे परिवार में बस तुम ही जीवित बचे थे, परंतु डायन कभी भी अवयस्क बालक की जान नहीं लेती, इसीलिए वो तुम्हें उठाकर अपने साथ ले गई थी। गांव वाले तो यही समझ रहे थे कि उस डायन ने अब तक तुम्हारी जान ले ली होगी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। जो माँ बनकर इतने सालों से मेरे साथ है वो मेरी माँ नहीं है। अमावस्या के दिन वो मेरी ही बलि देकर अपना बदला पूरा करने की योजना बना रही है। बेटा, उस डायन को खत्म करने का बस एक ही तरीका है, काली मंदिर से त्रिशूल लेकर तुम्हें ही उसका अंत करना होगा, नहीं तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। काका की बात सुनकर सूरज को अब तक की सारी पहेली साफ साफ समझ आ गई थी। उसने काली मंदिर से त्रिशूल लेकर अपने पास रख लिया और घर लौट आया। रात के 12 बजे उसे फिर से माँ के कमरे से टोने टोटके और मंत्र पढ़ने की आवाजें सुनाई देने लगती है। उसकी माँ आंखें बंद करके किसी शैतानी साधना में मग्न थी। जैसे ही वह त्रिशूल लेकर डायन की ओर बढ़ा, डायन का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा और देखते ही देखते वह भयानक शक्ल वाली एक डायन में बदल गई। डायन की लंबी चोटी अब जमीन को स्पर्श कर रही थी और उसका चेहरा बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। डायन ने अपनी लंबी चोटी को हवा में ऊपर उछाला और वह चोटी आकर सूरज के पूरे शरीर को रस्सी की तरह जकड़ने लगी। चोटी की मजबूत कसावट के कारण वह त्रिशूल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा था। चोटी ने पूरी ताकत से उसे डायन की ओर खींचा और वह चोटी में जकड़े हुए ही जमीन पर गिर पड़ा। उसे यूं जमीन पर गिरा देख डायन जोर जोर से हंसने लगती है। सूरज खुद को बेहद असहाय महसूस कर रहा था और डायन की चोटी के द्वारा पड़ रहे दबाव से उसके शरीर में खून का बहाव भी रुकने लगा था। तभी उसकी नजर उसके पास में पड़े हुए माँ के त्रिशूल पर गई। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने त्रिशूल उठाया और डायन की चोटी को उससे छू दिया। अचानक ही डायन की चोटी की पकड़ खुलने लगी और वह उसके शरीर से दूर हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए सूरज ने जाकर माँ काली का त्रिशूल डायन के सीने में घोंप दिया। एक जोरदार चीख के साथ डायन वहीं जमीन पर गिर पड़ी और धुएं के बवंडर की तरह हवा में गायब हो गई। शाम के करीब 7 या 8 बजे होंगे। दिन ढल चुका था। शमशान भूमि से सटे जंगल में एक तांत्रिक तंत्र साधना में लीन बैठा हुआ था। उसके सामने एक स्त्री हाथ जोड़े बैठी हुई थी। जमीन पर फैला सिंदूर, नारियल, तंत्र का सामान और किसी आदमी की फोटो देखकर ये स्पष्ट था कि ये तंत्र किसी की जान लेने के लिए रचा जा रहा है। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद उस तांत्रिक ने मुट्ठी भर मखाने अपने सामने पड़ी खोपड़ी पर चढ़ाए और उन्हें उस औरत को देते हुए कहा, जिसके लिए तूने ये तंत्र किया है, जाकर ये मखाने उसके सिर पर से 7 बार उतार कर चारों दिशाओं में फेंक देना। बचे हुए मखाने उसे बिना बताए खिला देना। इस तंत्र का कोई काट नहीं है। अगर तू ये मखाने खिलाने में सफल हो गई, तो उसके प्राण कोई नहीं बचा सकता। वह स्त्री उन मखानों को अपने पल्लू में बांधकर घर ले आई थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। घर पहुंचकर उसने चारपाई पर आंखें बंद कर लेटे हुए अपने पति के ऊपर से मखानों को घुमाया और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर
चौराहे पर जाकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। घर आकर उसने मखाने दूध में पकाकर अपने पति को खिला दिए। पत्नी की सच्चाई से अनजान अपाहिज बिरजू ने झट से वो मखाने वाली खीर खत्म कर दी। बिरजू को वो खीर खिलाने के बाद उस रात कमला बड़ी चैन की नींद सोई। इधर बिस्तर पर लेटे बिरजू की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसका सारा शरीर अकड़ने लगा और देखते ही देखते उसे खून की उल्टियां होने लगी। बिरजू रोते हुए पत्नी कमला को पुकारने लगा, कमला कमला बचा ले मुझे, मुझे मुझे कुछ हो रहा है कमला, ऐसा ऐसा लगता है मेरे जिस्म की एक एक नस कोई मोड़ रहा है, बचा ले मुझे, बचा ले। उस तांत्रिक ने ठीक ही कहा था, इस खीर को खाने के बाद तू सुबह का सूरज नहीं देख सकेगा। इसका मतलब तूने मुझे मारने के लिए टोटका किया है? अब तो तू मरने ही वाला है, चल मरने से पहले सच्चाई सुनता जा। तंग आ गई थी मैं तुम्हारे जैसे अपाहिज आदमी से। तुम्हारे अपाहिज शरीर को तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन तुम्हारे दो कौड़ी के कठपुतली के नाच दिखाने के काम से मुझे सख्त चिढ़ है। छुटकारा चाहिए था मुझे तुमसे और तुम्हारी इन कठपुतलियों से। क्या कहते थे तुम, जान दे सकते हो लेकिन इन कठपुतलियों को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे बाप दादा की विरासत है ना? जाओ अब अपने बाप के साथ नर्क में कठपुतलियां नचाना। बिरजू ने अविश्वास भरी नजरों से कमला की ओर देखा और आखिरी बार मुंह से खून की उल्टी करते हुए वह भगवान को प्यारा हो गया। बिरजू की मौत को पूरा एक महीना बीत गया था। यूं तो हर महीने ही अमावस की रात आती है, लेकिन आज की रात में जाने ऐसी क्या मनहूसियत थी कि पिछले एक घंटे से कुत्ते लगातार रो रहे थे। कमला अपने घर में गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक ही उसे कमरे का बल्ब फूटकर गिर जाता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। कमला नजर घुमाकर देखती है, हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। तभी उसे अपने घर में किसी के पायल पहनकर घूमने की आवाज सुनाई देने लगती है। कौन है बाहर, मैं पूछती हूँ कौन है? कमला की जोर जोर से आवाज लगाकर सवाल करने पर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की ठहाका मारकर हंस रही हो। अपने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ती है, अचानक ही उसके घर में राजस्थानी गाना बजने लगता है। ये तो वही गाना है जिस पर वो बिरजू कठपुतली नचाता था, लेकिन ये मेरे घर में कैसे बज रहा है? कमला अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आती है। बाहर आकर उसे अंधेरे में दो कठपुतलियां नाचती हुई दिखाई देती हैं। ये कठपुतली अपने आप कैसे नाच रही है? मैंने तो इन्हें कितने दिन पहले ही घर से बाहर फेंक दिया था, इन्हें घर में कौन लेकर आया? कमला घबराते हुए कौन है कहती हुई कठपुतलियों की ओर बढ़ रही थी कि तभी उसे पहले बिरजू की परछाई दिखाई देती है और फिर बिरजू की आवाज सुनाई पड़ती है। कमला कमला, मैं हूँ पगली, इतनी जल्दी मुझे भूल गई? कमला डरकर तेजी से बाहर की ओर भागने लगती है, लेकिन एक रेशमी डोर आकर उसे गले में लिपट जाती है और उसे पीछे खींचने लगती है। कमला जाकर उन कठपुतलियों के बराबर में खड़ी हो जाती है। अगले ही पल एक कठपुतली की तरह ढेर सारी रस्सियां उसके हाथ पैर और गर्दन के आर पार हो जाती हैं और जाकर छत से बंध जाती हैं। कमला दर्द से तड़प रही थी, उसके जिस्म से जगह जगह पर खून रिस रहा था। तभी कमरे में रोशनी हो जाती है। तुझे कठपुतली से बहुत नफरत थी ना, अब तू मेरे साथ एक कठपुतली बनकर रहेगी। अगले ही पल कमला की गर्दन में बंधी रस्सी जोर से खींचती है और कमला की गर्दन टूटकर एक और लटक जाती है। एक साल बाद रात के 9 बज रहे थे। मेहरगंज गांव में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। अचानक वहां पर बांसुरी बजाता हुआ एक आदमी आ जाता है। उसकी पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा देखकर धीरे धीरे लोग उसके पास इकट्ठे होने लगते हैं। अरे ओ भाई, कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे गांव में क्या कर रहे हो? मैं कठपुतली का खेल दिखाने आया हूँ भाई जी। अपने गांव के सभी भाई बहनों को बुला लो, मारे जैसा कठपुतली का नाच पूरे राजस्थान में कोई ना दिखा सके। अरे भाइयों,
सवेरे आइयो सवेरे, इस वक्त कौन खेल देखेगा। मैं दिन में नहीं निकलता हूँ, मेरा यही उसूल है, मैं अपना खेल रात को दिखाता हूँ। धीरे धीरे गांव के काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं और बांसुरी वाला आदमी खेल दिखाने लगता है। अरे ये क्या भाई, तुम्हारी कठपुतली की आंखों से तो खून टपक रहा है और कठपुतली गोल गोल अपनी आंखें भी घुमा रही है। घबराओ नहीं, ये तो बस हाथ की सफाई है। मैंने कहा था ना, मारे जैसा नाच तुमने कभी ना देखा होगा। मान गए भाइयो, ऐसा लग रहा था कोई औरत सच में नाच रही हो। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं कुछ दिन आपके गांव में डेरा डाल दूं, फिर दूसरे गांव निकल जाऊंगा। तुम सच्चे कलाकार हो, तुम्हारे नाच से गांव वाले बड़े खुश हो गए, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। कठपुतली वाला अपना सामान समेट ही रहा था कि एक औरत सुनीता कठपुतली को देखकर हंसने लगी। अरे ये भी कोई खेल हुआ भला, रस्सी बांधकर इन कपड़ों की गुड़िया को हिलाने में कौन सी कला है, आजकल कौन ये सब बचकानी चीजें देखता है। सुनीता की बात सुनकर वह कठपुतली वाला गुस्से में उसकी तरफ देखता है और अपना सामान समेटकर मुखिया की बताई जगह पर जाने लगता है। आधी रात बीत गई थी, सुनीता को अचानक अपने कमरे में उसी गाने की आवाज सुनाई देने लगती है जो कठपुतली वाला बजा रहा था। ये गाना मेरे कमरे में कौन बजा रहा है, कौन है यहाँ। सुनीता घबराई हुई सी एक एक करके पूरे घर के कमरों में देखती है, लेकिन उसे किसी भी कमरे में कोई दिखाई नहीं देता। अचानक उसे अपने पीछे कोई साया महसूस होता है जिससे वह बहुत घबरा जाती है। पीछे मुड़कर देखती है, उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जिसकी चमड़ी सफेद थी और आंखें अंदर को धसी हुई थी। मेरी कठपुतली का मजाक बनाया था ना तूने, आज से तू भी मेरे इशारों पर नाचेगी। कौन हो तुम, मेरे घर में कैसे आए। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस राक्षस से बचाओ। उस भयानक से आदमी को देखकर सुनीता वहाँ से भागने लगती है। सुनीता को इस तरह भागते देखकर कमरे में खड़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। और अचानक ही सुनीता एक कठपुतली बनकर नीचे गिर पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं पा रही थी। सुनीता को एक कठपुतली बनाने के बाद वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन बिरजू फिर से देर रात गए कठपुतली का नाच दिखा रहा था। आज उसके पास एक नई कठपुतली भी थी। ये कठपुतली अपनी आंखें गोल गोल घुमा रही थी और नाचते हुए लगातार रो रही थी। नाच देख रहे आदमियों में से अचानक एक आदमी भीड़ से बाहर आता है। ये कैसी कठपुतली है जो ऐसे रो रही है जैसे कोई इंसान हो। उसने बिल्कुल मेरे पत्नी सुनीता जैसे कपड़े पहन रखे हैं। कल रात से मेरी पत्नी लापता है, सच सच बता तूने क्या किया मेरी पत्नी के साथ। सुनीता का पति गुस्से में कठपुतली वाले को पीटने के लिए उसके गिरेबान पकड़ लेता है। अरे बीवी के गम में बावला हो गए हुए के, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है, कोई इंसान कठपुतली कैसे बन सकता है। सुनीता सुनीता तुम कहाँ चली गई, मुझे पता है तुम्हें उस कठपुतली वाले ने मुझसे छीन लिया है, तू कभी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। वो रोता बिलखता सुनसान जंगल में भटक रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बाबा आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पहले तो वो डर जाता है और ध्यान से देखने पर उन्हें सारी बात बता देता है। ये क्या बोल रहे हो तुम, क्या तुम्हारे गाँव से भी लोग गायब हो रहे हैं, क्या तुमने कोई कठपुतली का खेल देखा था। बाबा बाबा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, उस कठपुतली वाले ने मेरी पत्नी को कठपुतली में बदल दिया, मैंने देखा है उसे, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसने हूबहू सुनीता जैसे कपड़े पहन रखे थे। बाबा बेटा, तुझसे पहले भी इसने दूसरे गांवों से कई सारे लोगों को कठपुतली में बदला है, वो आदमी नहीं है, बिरजू नाम के कठपुतली वाले की आत्मा है। इसके बाद बाबा उसे बिरजू की पूरी कहानी सुनाते हैं। बाबा इस तरह से तो वो
न जाने कितनी ही जाने लेता रहेगा। आप कुछ कीजिए बाबा। क्या वो तुम्हारे गांव में रुका हुआ है? हाँ बाबा। ठीक है, चलो मेरे साथ। बाबा वीरू के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बिरजू ने अपना डेरा डाला हुआ था। बाबा बिरजू के घर के चारों ओर कुमकुम से घेरा बनाकर अपने लिए एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और फिर प्रेत मुक्ति यज्ञ करने लगते हैं। मंत्रों की शक्ति से उत्तेजित होकर बिरजू अपने कमरे से बाहर निकलता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। रुक जाओ वरना पछताओगे। बिरजू दौड़कर वहां से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा के सुरक्षा घेरा बनाने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाता। बाबा के लगातार मंत्र पढ़ने से बिरजू अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। उसका भयानक चेहरा देखकर वीरू का कलेजा मुंह को आ रहा था। बिरजू भयानक आवाज में चिल्ला रहा था, लेकिन बिरजू की बातों पर ध्यान दिए बिना बाबा लगातार मंत्र पढ़ना चालू रखते हैं। विधि समाप्त हो गई वीरू, अब इस सुरक्षा घेरे के चारों ओर आग लगा दो, जिससे इस दुष्ट आत्मा का अंत हो जाएगा। बाबा के इतना कहते ही वीरू रेखा के चारों ओर आग लगा देता है, जिससे बिरजू की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगती है और कुछ ही देर में उसकी आत्मा वहां से गायब हो जाती है और कठपुतली का खूनी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।